प्यारे खानी, पहली रमजान को जब रेटों का जुल्म जबर देखा कि हर चीज आउट हो गई, तो फलों का जब देखा 300-300 गुना महंगे, हमने ऐलान किया था। और अब सुने कि आज जो पूरा पाकिस्तान एक साथ हुआ ना, माफियाज के आगे खड़ा हो गया कि जाओ तुम हम पे जुल्म कर रहे हो, हम तुम्हारी चीज ही नहीं खरीदते, लोगों ने महंगे फल नहीं खरीदे। आज वही चीज रेट लिस्ट से नीचे बिक रही है, ठीक है। और अगर कोई महंगा बेच रहा है तो अब आपको समझ आ चुका है कि रेट लिस्ट देखोगे तो खरीदोगे, अच्छी अच्छी माफिया सी कमर टूट जाएगी। अब आप सुनिए कि आपके और क्या फायदे हुए इन चीजों के। हमने उन वीडियोस में बोला था गोश्त वालों तुम ज्यादती कर रहे हो, क्या रिजल्ट निकला उसका सुनिए। सरकारी रेट आज चिकन का क्या था, 570 रुपए, 570 रुपए किलो सरकारी रेट था चिकन का, बिक कितने की रही है, 400 रुपए किलो। यानी सरकारी रेट से 170 रुपए कम बिक रही है चिकन, वही चिकन जो आज से 5 दिन पहले पहली रमजान को बिक रही थी 600-600 रुपए किलो, आज कितने की बिक रही है, 400 रुपए किलो। लेकिन हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि भाई अपनी लिस्ट तो सही करें। आप 170 रुपए महंगा अनाउंस कर रहे हैं और दुकानदार बेच रहा है 170 रुपए कम, यानी आपका जो बंदा जो कोई रेट लिखता है वो प्लीज देखे, ये उसकी जिम्मेदारी है कि भाई ये गोश्त तो इसका मतलब पीछे से 300 रुपए आ रहा होगा। अगर वो 400 बेच रहे हैं, 100 रुपए तो अपना रख रहे होंगे, तो भाई उनको बोलो 400 रुपए क्यों रख रहे हो पर किलो, अगर दिन में 500-600 किलो बेचोगे तो कितना, क्या लाखों रुपए कमाना चाह रहे हो दिन में, तो भाई इनके इस प्रॉफिट को नीचे लाओ। अगर 300 रुपए का तुम्हें गोश्त आ रहा है, 320 का बेचो, 325 का बेचो, किलो में 25 रुपए कमा लो, ताकि भाई तुम्हें भी अच्छा प्रॉफिट हो, लोग भी खाएं। अब गाय का गोश्त सुन लीजिए भाई, सिर्फ इस एक मुहिम ने कितने कितने माफियाज की टांगे का हिला के रख दिए। पहली रमजान को बगैर हड्डी वाला गोश्त बछिया का था 1100 रुपए, आज पता है कितने का, 800 रुपए। हड्डी वाला गोश्त था 900, आज पता है कितने का, कहीं 650 और कहीं 700। तो बस ये पाकिस्तानियों आपकी फतह हो गई, ये आपकी जीत हुई है, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, चाहे क्रिकेटर हो, मॉडल हो, अदाकार हो, एंकर हो, जिसने साथ दिया इस मुहिम में, एक एक पाकिस्तानी मां बहन बेटी बाप भाई जो हमारे साथ शामिल हुआ, जिसने फलों से अपना हाथ यूं करके पीछे किया, दुकानदारों पर नहीं गए, ठेलों पर नहीं गए, इनसे ब्लैकमेल नहीं हुए, घबराए नहीं, कितनी माफियाज उतरी कि इनका क्यों कर रहे हो, उनका क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, कोई बात नहीं, आपने साथ दिया, आपको रिजल्ट मिल गया। सरकारी रेट पे लिस्ट पे लिखा हुआ है केला आज भी उससे भी 80 रुपए कम पे मिल रहा है, जाओ ले लो। लेकिन उसूल बना लो अब कि जो चीज खरीदेंगे रेट लिस्ट देख के खरीदेंगे। अभी हमने बेसन का भी मालूम किया कड़वा क्यों आ रहा है, तो मालूम हुआ जी ये तो चना पीस के बेचा जा रहा है, मटर देखें जरा कैसे कैसे काम हो रहे हैं रमजान में सारे। तो एक दफा फिर पाकिस्तानियों तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे जरा से स्टैंड लेने से गाय का गोश्त 400 रुपए कम हो गया, मुर्गी का गोश्त 300 रुपए कम हो गया, 200 रुपए कम हो गया, फल फ्रूट सब 130, 150, 140 मैंने सारे फल पूछे वीडियो में आज कि पपीता कितने का, बोले 130 रुपए किलो। और भाई यही तो आप 400 बेच रहे थे, केला कितने का है भाई, 100 रुपए ले लो उससे, वो तरबूज कितने का है, ये तो आप 250 बेच रहे थे, वो कह रहे हैं 80 रुपए ले लो। तो भाई ये कमाल हो गया है, आपको मुबारक हो कामयाबी, आपको फतह मुबारक हो। हुकूमत से इतनी सी अपील है भाई, आपकी लिस्ट पे आज भी रेट 570 लिखा हुआ है, जबकि दुकानदार बोर्ड लगा के बेच रहा है 400 रुपए किलो चिकन, तो प्लीज अपने रेट तो पीछे करें। अब तो अवाम ने एक हैरतअंगेज काम कर दिया आपके साथ, तो आप भी अपने रेट पीछे कर ले, अवाम इनकलाब ले आई है, अवाम को मुबारक हो कामयाबी। और अगर कोई दुकानदार या ठेले वाला महंगा बेच रहा है तो खुदा के लिए उसे मत खरीदना, लेकिन जीत हो गई अवाम की, जिंदाबाद अवाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।